अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहला लेक्चर है वेब डिज़ाइनिंग का। पहले लेक्चर की आउटलाइन में आज हमने जो पढ़ना है उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम वेब के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और हम HTML क्या है, स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट का, और एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है, और एनाटॉमी पढ़नी है HTML टैग्स की। उसके अलावा हेडिंग्स हैं, हेडिंग टैग पढ़ना है, पैराग्राफ टैग और कमेंट टैग पढ़ना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग क्या है। वेब डिज़ाइनिंग में ये हम लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक विजुअल लेआउट हम उसका डिज़ाइन कर रहे होते हैं। कोई भी वेबसाइट है, अगर हम यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे जैसे कि एक वेबसाइट है, इसका जो हमारे पास विजुअल लेआउट है, जो हमें वो जैसी नज़र आ रही है, वो हमारी वेब डिज़ाइनिंग है। हमने उसको डिज़ाइन किया है, हमने उसको यूज़र के लिए ऐसा बनाया है कि उसके लिए यूज़ करना इजी है। यहाँ से बटन्स जो हमने लगाए हैं कि हम कॉन्टैक्ट करना इजी है, हमने कोई पैकेज बाय करना है, प्राइसिंग पे जाके वो इजी है एक चीज़। कोडिंग पीछे हमने करनी होती है, कोडर्स ने, लेकिन यूज़र को एक एक इस तरह का एक वेबसाइट नज़र आ जाती है जो इजी टू यूज़ है, कि बटन्स पर क्लिक करके उसका काम हो रहा है। हम लोग फ्रंट एंड बना रहे हैं, फ्रंट एंड के अंदर हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करना है, बैक एंड के अंदर ज़्यादातर फंक्शनैलिटी का काम हो रहा होता है। फ्रंट एंड का हमने जो काम करना है उसके लिए हमने HTML, CSS, JavaScript और Bootstrap यूज़ करनी है। ये तीन जो चीज़ें हैं HTML, CSS और JavaScript, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो वेब के अंदर मोस्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाजमी यूज़ होते हैं। अब HTML हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, CSS हम उसके स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग के लिए, और JavaScript हम उसके बिहेवियर या उसकी फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हमने एक वेबसाइट बनानी है, हमने उसके अंदर पैराग्राफ लिखने हैं, हमने उसके अंदर बटन लगाना है, हमने उसके अंदर ये यूज़ करने हैं कि वीडियो लगा देनी है, हमने उसके अंदर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ, वट एवर, हमने कुछ भी इमेजेस भी यूज़ किए हैं, वो हमने HTML का टैग यूज़ करके वो हमने उस तरह से लगानी है। बट हमने उसको स्टाइल करना है, किसी पैराग्राफ हमने लगा दिया है, उसका कलर चेंज करना था, बटन का कलर चेंज करना था, वीडियो को जो है वो उसको उसका मार्जिन देना है, उसको सेट करना है, उसको डिज़ाइनिंग करनी है, वो हम CSS यूज़ करके करेंगे। JavaScript यूज़ करते हैं हम, उसके फंक्शनैलिटी ज़्यादातर उसमें यूज़ कर के लिए हम JavaScript यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसके अंदर हम लोग टैग्स यूज़ करके हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर बना देना होता है, वो हम HTML के ज़रिए बना देते हैं, जिसके अंदर हम टैग्स यूज़ करते हैं। अब जो टैग्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हैं, एक ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही है, कि हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता टैग याद करने में, क्योंकि टैग का नेम और उसके जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम ही होता। अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए मैं पी टैग यूज़ करूँ, मुझे पी टैग देख के समझ आ रही है कि पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए यूज़ करी हूँ, ठीक है, ये हेडिंग के लिए। मैंने एड्रेस देना है, मैंने एड्रेस के लिए एड्रेस का ही टैग यूज़ कर देना है, ईमेल यूज़ करनी है, या मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। टैग्स जो हैं वो हमें याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से ही हमें उसकी समझ आने लग जाती है कि इसका फंक्शन क्या हो। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट। वेबसाइट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक हेडर होता है, नेविगेशन मेन्यू होता है। हेडर में हमारे अक्सर आप वेबसाइट के ऊपर लिंक्स दिए हुए होते हैं, उनकी वेबसाइट के या फिर सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए होते हैं। नेव बार होता है, नेविगेशन बार जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर सारा मेन्यू दिया हुआ होता है, और मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट, हेडिंग और उसके बाद फुटर होता है। फुटर और मेन और हेडिंग के जो दरमियान में है वो सारा मेन कंटेंट है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेन कंटेंट है। ये वेबसाइट का नेविगेशन बार है जो पूरा फ्रंट के ऊपर शो हो रहा है, और एंड पे फुटर है, और उसके दरमियान में जो भी चीज़ें ऐड होंगी वो हमारी वो क्या होंगी, वो हमारा मेन कंटेंट होगा, होगी हमारी सिंपल एक HTML जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर डॉक टाइप HTML आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने टैग्स लगाए हुए हैं। सबसे पहले ये हमारा जो है एडिटर है, जो टेक्स्ट एडिटर है, हमने खोल लेना है। पहले हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देना है, न्यू फाइल क्रिएट कर देनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो आपके टैग्स आपको यूज़ नहीं यहाँ पे पता चलेगा कि आपने क्या लगा दिया है। सबसे पहले आपको उसको सेव करना होगा, उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको शो होगा, टैग्स यूज़ करेंगे तो शो होगा। मैं यहाँ पे टैग लगा ही नहीं सकती, ऐसे टैग नहीं लगा सकती मैं, इसको मुझे सेव करना होगा। मैं इसको पहले सेव कर लूँगी, मैं इसका नाम
जो भी मैंने इसका नेम रखना है, उसके बाद इसके आगे .html उसकी एक्सटेंशन लाजमी लगाऊंगी, ताकि ये HTML फाइल है ये इसकी एक्सटेंशन लाजमी लगे, ताकि ये काम सही से कर सके, HTML कोड को रिकग्नाइज कर सके, हमारे ब्राउजर को भी पता चल जाए कि HTML फाइल है और ये एक्सटेंशन लाजमी लगाना होता है लाजमी। उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी कोड मुझे सारा इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं, HTML5 लेटेस्ट वर्जन है HTML का। उसके बाद हम यहाँ पे HTML जो है ना, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट लिखना है, उसके लिए मैं सिर्फ HTML लिखूँगी। मुझे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है, ये ग्रीन कलर में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, ग्रीन जो साइन है उसके आगे, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ तो मुझे बना बनाया एक डॉक्यूमेंट मिल गया हुआ। मुझे खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक एक टैग खुद लगा। अब ये यहाँ पे ये क्या है, ये टाइप है, डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, HTML टैग है, HTML टैग क्लोज हो रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये टैग्स कर क्या रहे हैं। टैग जब हमने यूज़ करना होता है वेबसाइट के ऊपर, हम जब टैग्स लगा के हम लोग HTML में कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो टैग हम लोग उसके लिए हम लोग ये साइंस यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह के ये जो साइंस हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, ये साइंस, ये जो साइन है इसके दरमियान में मैं अपना लिखूंगी टैग। मैंने हेडिंग देनी थी, ये मेरा हेडिंग है, हेडिंग का मैंने टैग लगा दिया, पैराग्राफ का टैग लगा दिया। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने क्लोज भी करना है, मैंने इसको ऐसे ही नहीं छोड़े देना है, नहीं तो ये मैं कोई भी टैग क्लोज नहीं करूंगी तो वो वर्क नहीं करेगा, उसको क्लोज करना लाजमी है। तो मैं यही वाला ये साइन लगाऊंगी, उसके बाद ये स्लैश लगाऊंगी और पी लिख के उसको क्लोज करूंगी। इसमें टेक्स्ट एडिटर जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये हेड का टैग आपको सबसे ऊपर शो हो रहा है ना, इंटर करूँगी तो ये इसको क्लोज भी कर देगा और वो कंप्लीट इसको लिख पे देगा। हालांकि मैंने सिर्फ एच ही लिखा था, ज़्यादा तो नहीं लिखा था, या मैंने कोई भी और भी, अगर मैंने कोई भी इसके ऊपर समझें एड्रेस का टैग लगाना, ये मैं एड्रेस के ऊपर क्लिक किया है, मुझे सारा लिखने की ज़रूरत ही पड़ी है, उसने खुद ही इसको लिख दिया हुआ है, खुद ही लिख दिया है। इस तरह से हमने ये टैग्स लगाने हैं। अब जैसे यहाँ पे HTML का टैग लगा हुआ है, HTML का टैग सबसे एंड पे क्लोज होता है, हेड का टैग लगाना है, हेड का टैग क्लोज करना है, उसके बाद बॉडी का टैग लगाना है और बॉडी का टैग क्लोज करना है। जितना भी हमारा मेन कंटेंट का काम होगा वो हमारा सारा बॉडी के ही अंदर होगा, हमने वो सारा बॉडी के अंदर करना है जितना भी हमारा मेन कंटेंट का काम है। हमने यहाँ पे टाइटल जो है ना, टाइटल हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, वेलकम लिख देती हूँ, तो ये मेरा टाइटल है, ये मैंने यहाँ पे, अच्छा जो भी मैंने कोड करना है साथ के साथ मैंने उसको साथ ही साथ सेव करते जाना है, उसके चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसको एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है फाइल, मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया है और ये मेरे पास ओपन हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, तो एक प्लेन, एक खाली, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, ये टाइटल है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी ना टाइटल के अंदर, टाइटल के टैग के अंदर, वो मुझे यहाँ पे टाइटल में शो हो जाएगा। अब ये जो मेरा टैग लगे हुए हैं ना, जैसे ये एलिमेंट नेम है, एलिमेंट नेम है टी, पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके, और ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पे इसको क्लोज किया हुआ है स्लैश लगा के, और उसके दरमियान में जितना भी काम होगा कंटेंट का उसके दरमियान में हमने लिखना है। अब कुछ टैग ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते, अभी मैंने बताया था कि हर टैग को क्लोज करना होता है, लाजमी होता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते। उनमें से दो टैग हैं ये जो क्लोज नहीं होते, जो हम यूज़ भी कर रहे होते हैं, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। एक तो लाइन ब्रेक का टैग है और एक हॉरिजॉन्टल रूल का टैग है, ये मैं आगे बताती हूँ कि ये टैग क्या फंक्शन करते हैं, लेकिन ये वो दो टैग हैं जिनको हमने क्लोज नहीं करना होता, ये सिर्फ हमें इसी तरह लगा देने होते हैं। उसके बाद ये एक चीज़ है, वो ये है कि जब भी मैंने कोई टैग लगाना है, ये मैंने एक साइन लगाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे दरमियान में स्पेस नहीं देनी। मैं अगर ये स्पेस दूंगी तो ये टैग कंसीडर नहीं होगा, ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर होगा। मैं इधर स्पेस नहीं दूंगी, इसके दरमियान में स्पेस नहीं दूंगी, इधर मैं जैसे मर्जी स्पेस दे सकती हूँ टैग क्लोज करके। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, जितनी मर्जी स्पेस दूँ वो स्पेस ब्राउज़र में तो वो स्पेस शो नहीं होगी, ब्राउज़र पे यहाँ पे अगर जितनी मर्जी स्पेस दे के मैं पैराग्राफ लिख दूँ वो स्पेस शो नहीं होगी। अब हम लोग टैग्स के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे पहले लेक्चर के जो कुछ टैग्स हैं उनमें से सबसे पहले है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या है? हेडिंग टैग जो है ना, उस वो नाम से ही पता चल रहा है कि हेडिंग ही लगानी है हमने, हेडिंग टैग है। तो हेडिंग टैग के लिए हम लोग एच टैग यूज़ कर रहे होते हैं, हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेडिंग टैग में 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेन हेडिंग है वो हम H1 से शुरू कर रहे होते हैं, जो हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो सबसे छोटे वाली हेडिंग है, वो H6 होती है। ये H1 पे मैंने जब ये H1 लिखा, ऊपर मुझे ऑप्शन शो हो रहा है, मैं यहाँ पे इंटर करके उसको लिखूंगी तो
खुद ही क्लोज हो गया, इसके दरमियान में मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो एज अ हेडिंग शो हो रही होगी। ये मैं इस तरह से करके ना H2 भी ऐड कर देती हूँ। इस तरह से करके ना मैं 6 के 6 हेडिंग्स ऐड करके आपको दिखा देती हूँ कि ये 6 जो डिफरेंट हेडिंग्स है ये करके आ रही हैं। H5 उसके बाद लास्ट H6 ये मैंने लिख दिया। इसको मैं यहाँ से सेव करूँगी, उसके बाद ब्राउज़र पे जाऊँगी। ब्राउज़र के जाने के बाद मैं उसको रिफ्रेश करूँगी। अभी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है हेडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट तक हेडिंग शो हो रही है H1 से H6 तक। ये हमारा हेडिंग टैग है। उसके बाद है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग पी टैग के दरमियान में हम कुछ भी लिखते हैं वो एज अ पैराग्राफ शो होता है। मैंने पी टैग लगाया है, उसके दरमियान में मैं रेंडमली कुछ भी लिख देती हूँ, कुछ भी लिखूँगी वो वैसे ही शो करता रहेगा। मैं यहाँ से इसको सेव कर देती हूँ और मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ। ये देखें ये लिख हो गया। मैं यहाँ पर एक रेंडम पैराग्राफ दे देती हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसको रिमूव करके। LORE M और टैब, टैब को टैब बटन जो है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करेंगे तो कि रेंडमली कोई पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कुछ लिखने को नहीं है। क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, तो अगर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालना है तो वो तो आपके पास कंटेंट होता ही है जो भी आपने पैराग्राफ में लिखना होता है। ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर ना एक इशू है, ये पहले मैं आपको वैसे दिखाती हूँ किस तरह का शो होता है। ये देखें ये पैराग्राफ शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस दे देती हूँ, स्पेस दे दी मैंने, यहाँ पे भी स्पेस दे दी, यहाँ पे स्पेस दे दी, कितनी सारी स्पेसेस दे दी, तो ये स्पेस को शो नहीं करेगा। ये इस तरह स्पेस को शो नहीं करेगा। सेव करके देखें रिफ्रेश किया नहीं कर रहा, कोई स्पेसेस नहीं शो हो रही। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चली जाती हूँ, ये मैं कह रही हूँ ये 5-6 लाइनें छोड़ दी। सेव करके देखती हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है ब्राउज़र इसको कि नहीं, ब्राउज़र नहीं लेके जाए। पैराग्राफ वैसा का वैसा ही है। पैराग्राफ में एक ये इशू होता है कि आप जैसे लिखते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसको वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, ना ही आप स्पेस उसके अंदर शो करा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम होता है इसका, ये वाला। इसको अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और टैग भी यूज़ करते हैं जिसको हम PRE का टैग लगा, PRE कहते हैं। PRE का टैग लगाएंगे ना तो यहाँ पर एक हम लोग से पोइम लिख रहे हैं या कोई भी लाइन लिख रहे हैं ना, तो वो जिस तरह से हम लोग लाइनों में लिख रहे हैं वो उसी तरह से शो करा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस तरह से लिखा है, अगर ये मैं पैराग्राफ में लिखती तो ये मुझे एक ही लाइन में शो करवा देता, लेकिन ये मैंने PRE के टैग में लिखा है तो ये मुझे एक लाइन में शो नहीं करवाएगा, ये मुझे डिफरेंट लाइन्स में शो करवाएगा जैसे मैंने इसको लिखा है, जैसे पोइम लिखी हुई होती है। ये देखें ये वैसे ही शो कराया है। इसको मैं पी टैग के अंदर लगाऊंगी ना तो ये मुझे एक ही लाइन में जैसे ऊपर पैराग्राफ है ना वैसा ही शो करवा देगा। एक तो ये चीज़ है, PRE टैग है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल एक होता है। हॉरिजॉन्टल रूल क्या है, जो मैंने अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया कि जो टैग क्लोज नहीं होते दो, अभी ये वो वाले टैग है। हॉरिजॉन्टल लाइन शो नहीं हो जाती है हॉरिजॉन्टल रूल से। HR का टैग इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल रूल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे समझें कि एक लाइन लगा देना चाहती हूँ दरमियान में, यहाँ पे लगा देना चाहती हूँ। मैं HR लगा देती हूँ, HR का टैग क्लोज नहीं करना, बस HR लगा दिया यहाँ पे ना, तो ये उसके दरमियान में ना टेक्स्ट के दरमियान में पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन शो आ रहा है, एक लाइन शो हो रही है हॉरिजॉन्टल जो कि डिवाइड कर रही है पेज को। इसके अलावा एक BR का टैग होता है। BR का टैग क्या करता है, इसको भी क्लोज नहीं करना पड़ता, ये दो टैग है जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता। BR का टैग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे लिखे जाने के लिए, ब्रेक लाइन, जो लाइन है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट पे चले जाएं। अदरवाइज़ पैराग्राफ में तो ऐसा नहीं होता। हम अगर खुद भी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इंटर करके 3-4 लाइनें स्किप करके आके टेक्स्ट किया था और वो वैसे शो नहीं हो रहा था, लेकिन BR के टैग में ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर मैं BR का टैग लगा दे तो यहाँ पर लगा दिया है एक, मैंने इधर लगा देती हूँ, जहाँ भी लगाऊंगी मैं टैग वहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाएगी। वहाँ से सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पर टैग लगाया था नेक्स्ट लाइन पे चला गया है, यहाँ पे लगाया था नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। एक तो ये हो गया है लाइन ब्रेक। उसके बाद कमेंट है। कमेंट्स क्या होते हैं, कोडिंग में जब हम कमेंट यूज़ कर रहे होते हैं हम ज़्यादातर तो यहाँ पे इसके दो तीन तरीके हैं, दो तीन पर्पस हैं जिसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं।